समझिए कि राम कृपाल यादव जीत गए हैं, जीत गए हम लोग, जश्न मनाना है, बस जश्न मनाना है 4 जून को। वो राम जीत गए, हाँ जीत, जीत नहीं वो जीत गए हैं। कैसे जीत गए? अरे जीत गए हैं, लोगों का बड़ा बड़ा जनसभा होगा। अरे भाई लोगों का इतना प्यार है नमतपुर में, लोगों का प्यार इतना विक्रम पाली में, लोगों का प्रेम है दानापुर में, लोग चाहत कर रहे हैं फुलवाड़ी में। तो वो संसद नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगा? वो जीतेगा नहीं, जीत तय है और जीत गए हैं। सिर्फ 4 जून को हम विजय जरूर निकालेंगे आदरणीय राम कृपाल यादव का। क्या लग रहा है, लालू यादव पर भारी पड़ जाएंगे राम कृपाल? बिल्कुल भारी पड़ते आए हैं, फिर भारी पड़ जाएंगे। हाँ, इनके मीसा भारती के पापा भी हारे थे पाटलिपुत्रा से, बेटी भी दोबारा हारी है और फिर हारेगी, हार जाएगी एकदम। पर पाटलिपुत्रा से कौन जीतेगा? राम कृपाल यादव, राम कृपाल यादव। कौन जीतेगा भैया? राम कृपाल। आप बताइए राम जीतेगा? जो 24 घंटा में 18 घंटा अपने क्षेत्र में घूमते हैं, 18 घंटा घूमते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को न चुनेगा? पाटलिपुत्रा लोकसभा से क्या लग रहा है, किसका पल्ला भारी रहेगा? लालू के बेटे मैदान में है भैया। पहली बात तो ये परिवारवाद को जड़ से ख़त्म करने का एक लास्ट ऑप्शन है, इसको बेहतर तरीका से ना परिवारवाद को ख़त्म करेंगे, स्टार्ट करेंगे मीसा भारती से। क्योंकि भाई ये जो पाटलिपुत्रा क्षेत्र से हमारे जो राम कृपाल जो है, आदरणीय राम कृपाल यादव जी हैं, ये इन्होंने जो काम किया है, ये जो जिन्होंने जो पाटलिपुत्रा क्षेत्र में जो जनता के बीच में अपना अपना अस्तित्व बनाया है, अपना प्यार जो बनाया है, इनसे काफ़ी लोग प्रोत्साहन है। इनको बिहार में अति पाटलिपुत्रा क्षेत्र से 1 लाख प्लस से इनको फिर से तीसरी बार पाटलिपुत्रा क्षेत्र से इनको सांसद बना रही है। कैसे बनाएगी? वो लोग कह रहे हैं कि मीसा भारती भी जो है वो काम करेगी। मीसा भारती काम करेगी क्यों ना भैया, आपने आपका सरकार इतने साल रही बिहार में, आपने एक फैक्ट्री नहीं देने का काम किया। आप तो कभी आपके क्षेत्र आप में इतना बड़ा आपका परिवार है, इतनी सारी बेटियां हैं, 2 बेटा हैं, और बिहार में कोई गरीब नेता नहीं है, उसको कोई गरीब लड़का को अपना दीजिए। पाटलिपुत्रा अगर क्षेत्र में हम उनको वोट दें, लालू यादव को हम वोट देने के लिए तैयार है, मीसा भारती को वोट देने के लिए तैयार है, लेकिन मीसा भारती के जगह पर अगर कोई भी गरीब घर का लड़का अगर होता रहता है तो हम उसको वोट दें, लेकिन मीसा भारती को ना, मीसा भारती को तो हम चल चल कृपाल को क्यों दीजिएगा? राम कृपाल एक जमीनी स्तर से कैसे नेता है, समझ गए ना? वो अगर आपके घर एक छोटा सा प्रोग्राम भी है, समझ गए ना, उस प्रोग्राम में अगर राम कृपाल यादव को अगर इन्वाइट कर देते हैं या अभिमन्यु भैया को इन्वाइट कर देते हैं, उनको बेटा है समझ गए ना, अभिमन्यु भैया उनको अगर इन्वाइट कर देते हैं तो वो दोनों कोई आपके घर न चले आएंगे, एक छोटा सा फंक्शन आप रखिए एक बर्थडे का, वो चले आएंगे आपके यहाँ, आएंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, आपका जो दुख है सुख है वो आपको बांटेंगे, आप बात करेंगे। मीसा भारती का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मीडिया को करिए भग 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 भग, इस तरह से कर रही है मीडिया को, वो धिक्कारती है। एक तो देखिए, एक प्रधानमंत्री एक ऐसा पद है, समझ गए ना, एक सम्मानित पद है, जिन्होंने अभी आज का स्टेटमेंट है मीसा भारती ने क्या कहा है कि अगर हमारी इंडिया की सरकार आई, समझ गए ना, अगर हमारी एनडीए की सरकार आती है, इंडिया की सरकार आती है, तो हम प्रधानमंत्री सहित जितने भी केंद्र में जो मंत्री जो अभी हैं उनको सारे को हम जेल में भेजा देंगे। आपने आप बता सकते हैं, आप मीडिया वाले हैं, आप चौथा स्तंभ है, समझ गए ना, संविधान का चौथा स्तंभ है, आप बताइए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पर एक भी ऐसे गलत आरोप है जिन पे उनको भाई टारगेट कोई कर सकते हैं? मीसा भारती डायरेक्ट कह रही है कि हमको उनको जेल भेजा देंगे। क्या तुम्हारे बाबूजी ने तो बहुत सारे घोटाले किए थे, रेल घोटाले किए, कोयला घोटाले किए, चारा घोटाले किए, ऐसे अन्य तरीका के कई घोटाले किए, उनको तो भाई ED ID का छापा पड़ रहा है, उन पर भाई गलत सही आरोप लगा तो भाई वो फंस रहे हैं, वो जेल जा रहे हैं, बुढ़ारी में भी जेल जा रहे हैं। अगर अच्छे कर्म आप नहीं करोगे तो भाई बुढ़ारी में जेल जाओगे। और बात बात तेजस्वी यादव की, तेजस्वी यादव ने बोल रहे हैं कि हम 10 लाख रोजगार दिए हैं, अच्छा 4 लाख रोजगार दिए हैं, 4 लाख जो रोजगार दिए और तेजस्वी यादव नहीं दिए, वो गठबंधन में नीतीश कुमार के साथ में थे। इसमें सिंगापुर से मैदान में आई है रोहनी जो है, क्या लगता है भरोसा नहीं जताएगा लोग? बिल्कुल नहीं, आप किसी को भी ला के राजनीति में खड़ा कर दोगे, आप पुराने जो इतने बड़े बड़े जो नेता है, समझ गए ना, उनको मतलब जो काम वहाँ कर रहे हैं, जो काम वहाँ किए हैं, वहाँ या आप ऐसे चेहरा दीजिए, समझ गए ना, जो कि जनता के बीच में रहता हो। अगर आप पाटलिपुत्रा लोकसभा से कहीं ना कहीं राम कृपाल यादव जो है मैदान में है, उधर लालू की बेटी मैदान में है,
क्या लग रहा है कौन भारी पड़ेगा? रामकृपाल यादव, जब से हम पैदा हुए हैं, ठीक है, जब से पैदा हुए हैं, जब से नाम सुने हैं एक नेता का, जो ज़मीनी नेता है, जो पिछड़ों का, गरीबों का, दलितों का जो मसीहा है, वो नाम सुने हैं आदरणीय रामकृपाल यादव, ठीक है, पाटलिपुत्रा से, जब से हम जान रहे हैं, ठीक है, जब से वहाँ की जनता को रात में 2 बजे 3 बजे 4 बजे कष्ट होता है, तो एक पेड़ पे आदरणीय रामकृपाल यादव खड़े होते हैं। वो उस टाइम वो तेल का भाव, अपना शरीर का जान नहीं देखते हैं कि हमको क्या होने वाला नहीं होना है, लेकिन जनता के प्रति वो खड़े उतरते हैं, ठीक है, ये बेमिसाल है। और वहाँ पाटलिपुत्रा लोकसभा में जब आप जाएंगे पत्रकार बाबू, वहाँ के लोगों से ओपिनियन लेंगे, तो यही एक आवाज़ निकलेगा, सिर्फ रामकृपाल यादव, ठीक है। मीसा भारती कौन है के लोग जानते भी नहीं है, इसलिए नहीं जानते हैं कि 2014 में मीसा भारती ग्राउंड पर नजर आई कब, जब चुनाव था। 2019 में मीसा भारती ग्राउंड पर नजर आई, क्षेत्र में नजर आई कब, जब चुनाव था। लोग कह रहे हैं कि खाली बर्थडे उड़े में जाते हैं रामकृपाल, कौन, देखिए गलत बात है, ठीक है, गलत बात करते हैं, बर्थडे में नहीं, वो शादी में, गरीब बेटी की शादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, हमारा सहयोग राशि भी करते हैं। इस बार पाटलिपुत्र से कौन जीतेगा? रामकृपाल यादव, रामकृपाल यादव, कौन जीतेगा भैया? राम कृपाल, आप बताइए राम जीतेगा? जो 24 घंटा 18 घंटा अपने क्षेत्र में घूमते हैं, 18 घंटा घूमते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को न चुनेगा जो 5 साल में एक दिन आते चुनाव होता है, तब बताइए वो ऐसा। हम परिवार में उनके, हम परिवार में गोद में खेले हुए हैं, हम हैं आरजेडी में, लेकिन उनका समर्थन, देखिए आरजेडी होकर के भी रामकृपाल को बिल्कुल हम इनका समर्थन करते हैं, ये पक्का आरजेडी के प्रवक्ता भी है, समझ गए ना, कट्टर प्रवक्ता है आरजेडी का, लेकिन समर्थन करते हैं रामकृपाल यादव। रामकृपाल यादव का समर्थन करने का रीजन है वो जमीनी स्तर से एकदम एक काम करने वाले एक नेता। आपका अभी पाटलिपुत्र से? हाँ बिल्कुल। क्या लग रहा है लालू यादव पर भारी पड़ जाएंगे रामकृपाल? बिल्कुल भारी पड़ते आए, फिर भारी पड़ जाएंगे। हाँ, इनके मीसा भारती के पप्पा भी हारे थे पाटलिपुत्र से, बेटी भी दोबारा हारी है, अब फिर हारेगी, हार जाएगी एकदम 100% गारंटी, 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख प्लस। कौन जीतेगा? रामकृपाल यादव कोई है? बताइए लालू यादव कौन है? चारा चोर बोलिए, चलेगा सारा बिहार जानता, पूरा उनको हम लोग चारा चोर से जानते हैं। कौन भारी पड़ेगा पाटलिपुत्र? कौन ईमानदार के सामने चोर टिका है कहियो? चोर कतनो कुछ कर लेगा, ईमानदारी डगमगाएगा, लेकिन ईमानदारी बुलंद पर रहता है, इसी के लिए सच्चाई देखिए। वहाँ पाटलिपुत्र क्षेत्र में आदरणीय रामकृपाल यादव को सिर्फ यादव का वोट नहीं पड़ेगा, हर जाति का वोट पड़ेगा। सबसे ज्यादा वोट अगर पड़ेगा यादव के बाद, तो वहाँ मुस्लिम समुदाय का वोट भी मुस्लिम बढ़ चढ़ के वोट देगा। सोशल मीडिया के आप ही के चैनल पे हम देखे थे कि एक मुस्लिम समुदाय का आदमी, उसका जब ये क्या नाम था, वो आयुष्मान कार्ड बना था, तो मोदी जी से भी खुश हुआ था, खास करके अपने आदरणीय रामकृपाल यादव से बोला था कि मेरा मतलब यह है कि मुस्लिम होकर के भी कांग्रेस आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। हाँ, ये रामकृपाल यादव का चेहरा किसी भी पार्टी से आए, बीजेपी से आए या निर्दलीय आए, रामकृपाल यादव का चेहरा काफी है। रामकृपाल यादव को भैया काम बताए, उनका जो काम है क्षेत्र में उनका अपना, उसी के आधार पर उनको वोट मिलता है। आज यही कारण है कि उनके सामने चारा चोर भी नहीं टिक पा रहे हैं, वो तो किन्हीं को भी खड़ा कर दे तो दूर, चारा चोर जी खुद भी खड़े हो जाएंगे ना, तो क्षेत्र से नहीं जीतने जा रहे हैं। जीतता है 110%। हम बोल देते तेजस्वी यादव जी को भी अगर रामकृपाल के विरोध में सब खड़ा कर दिया जाए विरोध में, तो रामकृपाल यादव बाबू जी भी नहीं टिकेंगे जी, एकदम बिल्कुल, उनके बाबू जी भी नहीं चारा चोर। लोकप्रिय क्यों? हाँ लालू ना जीतेंगे, वो अपने क्षेत्र में विकास किए हैं। आज 2 दिन बारिश हो जाता ना पत्रकार बाबू, तो लोहानीपुर बाजार समिति आपको राजेंद्र नगर कंकड़बाग में 9 चलने की नौबत आ जाती है। तो जिस तरह से रामकृपाल यादव ने अपने क्षेत्र में काम किया है, रामकृपाल यादव सीखना चाहिए रविशंकर प्रसाद जी को कि काम क्षेत्र में कैसे किया जाता है। चुनाव जब जब आता है हाथ जोड़ के रविशंकर प्रसाद जी ग्राउंड पे आ जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जैसे चाय में से मक्खी गायब हो जाता है, गधे के सिंह में से सिंह गायब हो जाता है, वैसे रविशंकर प्रसाद जी गायब हो जाते हैं। इनको समझना होगा, लोग जागरूक हो गए हैं। जब तक आप क्षेत्र में काम नहीं करेंगे, आज 2 दिन पानी हो जाए पत्रकार बाबू, हमको अपना समस्या नहीं है, मैं कमर में डूब के मैं जाऊंगा। पे जब बात करेंगे तो उसे बात करेंगे, नहीं बकाली पुत्रा पे ही बात, मैं टॉपिक वही, हाँ तो टॉपिक वही है, तो उसी टॉपिक में मैं बात कर रहा हूँ। कौन पाल यादव से हमारे रविशंकर प्रसाद को सीखना चाहिए कि काम कैसे होता है। आप भारी जो पड़ता है भारी पड़ी है मत समझिए कि रामकृपाल यादव जीत गए हैं, जीत गए, हम लोग जश्न मनाना है, बस जश्न मनाना है 4 जून को, वो जीत गए, हाँ जीत
जीत नहीं, वो जीत गए हैं। कैसे जीते? अरे जीत गए हैं, लोगों का बड़ा बड़ा जनसभा होगा। अरे भाई, लोगों का इतना प्यार है नमतपुर में, लोगों का प्यार इतना विक्रम पाली में, लोगों का प्रेम है दानापुर में, लोग चाहत कर रहे फुलवाड़ी में। तो वो संसद नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगा? वो जीतेगा नहीं, जीत तय है और जीत गए हैं। सिर्फ 4 जून को हम विजय जरूर निकालेंगे आदरणीय राम कृपाल यादव का। देखिए, कृपाल जी मसौढ़ी में भी बहुत विकास किए हैं, काफी अच्छे नेता हैं, उनको अवसर मिलना चाहिए दोबारा फिर से। और हमको जहाँ तक लगता है, अगर राम कृपाल जी एक बार फिर से सांसद बनेंगे ना, तो बहुत बढ़िया से विकास होगा।